हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर एंड ऑफ जनवरी 2021 तो so 11 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे शुरू करने से पहले यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो नीचे लिंक दी है तो यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज 15 तारीख से उसकी क्लासेस अपलोड होना, क्लासे होना शुरू हो जाएंगी है ना फिफ्टी से उसकी क्लासेस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी तो जिसको भी ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो इसके अलावा हमारा सीसेट कोर्स भी चल रहा है तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे से ज्वाइन कर सकते हैं हमने जीएस एस वन टू थ्री फोर का पेपर इस बार डिस्कस किया हमने देखा कि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवन इन जी एस तो क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स जीएस uh, फोर में भी करंट द हिंदू और एडिटोरियल्स इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल लाइवमेंट के एडिटोरियल से आया है तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज दैट कि हम इंडियन uh, एक्सप्रेस के एडिटोरियल शुरू करवाएंगे फ्रॉम आर टीम हमारी टीम जो है इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स भी शुरू करेगी एंड मोस्ट प्रोबेबली वी कैन फाइंड वी विल बी स्टार्टिंग दैट विथ टूडे ओनली है ना तो आई होप यू पीपल विल बी सपोर्टिंग दैट एज वेल लेट स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट फ्रंट न्यूज एनालिसिस शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस आज के पहला सवाल है तिहान आईआईटी आई टी फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम टेरेस्ट्रियल एंड एरियल विल बी इस्टेब्लिश्ड एट तो तिहान आईआईटी आई जो कि इंडिया का पहला टेस्ट बेड फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम होगा ये कहाँ आएगा ऑप्शन आर आई चेन्नई आई बॉम्बे आई आई एंड आई हैदराबाद दिस इज क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू इज डिजिटल ओशियन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ओशियन डेटा मैनेजमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय डिजिटल ओशियन विच इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ओशियन डेटा मैनेजमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय इनमें से कौन सी मिनिस्ट्रीज ने लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज

नीचे मैं कमेंट सेक्शन जो कमेंट में जो पिन करूंगा उसमें मैं आंसर्स आपको दे दूंगा तो कमेंट पिन करके मैं कमेंट में दे दूंगा और आप आपको अटेम्प्ट जरूर करिएगा है ना क्या होता है मैं हर दिन आंसर बताता हूँ आप अटैम्प्ट नहीं करते दिस इज नॉट अ गुड हैबिट फॉर फ्रॉम योर साइड आगे देखते न्यूज एनालिसिस पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज एनएचआरसी रिकमेंड्स मेजर्स अगेंस्ट मैनुअल स्केंजिंग अब एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसने मैनुअल स्कैंजिंग को रोकने के लिए कुछ मेजर्स बताए हैं एक एक करके हम देखते हैं तो कुछ बेसिकली रिकमेंडेशन हैं जो कि दिए गए हैं टू इरेडिकेट द मैनुअल मैनुअल क्या होता है इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ मैनुअली क्लीनिंग कैरिंग डिस्पोजिंग ऑफ और हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा मैनुअल एक्सकेवेंजिंग क्या होती है बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनुअली इज क्लीनिंग डिस्पोजिंग द ह्यूमन एक्टा

अब की रिकमेंडेशंस क्या क्या है देखो तो पहला है ब्रॉड एन द डेफिशन ऑफ मैल टू कवर द अदर टाइप्स ऑफ हेजार्ली फॉर इट अब एन एच आर सी ने पहला जो रिकमेंडेशन दिया वो ये दिया है कि पहले तो आपको मैनुअल की जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉड करने की जरूरत है और इसमें जो ये क्लीनिंग है उसके अलावा अदर फॉर्म्स ऑफ हेजारडस जो क्लीनिंग है आ, उसको भी आपको इंक्लूड करने की जरूरत है ठीक है ना अदरवाइज क्या हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है केवल यही लोग इंक्लूडेड हैं लेकिन बाकी लोग जो और

तीसरा है कंपनसेशन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड एज वन टाइम कैश असिस्टेंस फॉर रिहेबिलिटन ऑफ मैनुअल स्क मे बी इन्हांस फ्रॉम फोर्टी थाउजेंड टू रुपीज वन लैख अब चालीस हजार मिलता है भी रिहेबिलिटेशन के लिए जो अभी दिया जाता है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है ऑथर ने कहा है कि उसको चालीस हजार से बढ़ा करके आपको एक लाख कर देना चाहिए दिस इज वॉट ऑथर सेज है ना आगे अगर आप देखें जो इंश्योर टू इंश्योर टू रिमूव द रोल ऑफ मिडिल मैन बाय मेकिंग प्रोविजन लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरिंग ट्रांसफर और द कोलेबरे ऑफ एनजीओ अगला सजेशन जो एन ने दिया वही दिया है कि मिडिल मैन को रिमूव करो जो आप कंपनसेशन ये सब पे कर रहे हैं डीबीटी के थ्रू पे करो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पे करो और बीच के जो मिडिल मैन है उनको हटाओ देन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द लोकल अथॉरिटीज हु एम्प्लॉय पीपल टू वर्क एज मैनुअल स्कैंजर्स एन ऐप एंड अ टोल फ्री नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेन कैन बी देयर ठीक है ना तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो मैन कैंजर्स इस को इम्प्लॉय करें ऐसे लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसी लोकल अथॉरिटी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो को बोला गया है टू मॉनिटर द दिवस डेथ एंड डेटा रिफ्लेक्टेड इन द रिपोर्ट तो सीवर डेथ में जितनी होती है उनको नोट करिए नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो को और जो रिपोर्ट आप फाइनल निकालते हो उसमें उनका मेंशन भी कीजिए दिस इज व्हाट द थिंग हैज बीन सेड देन उन्होंने बोला कि नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मैनुअल केवेंजर्स तो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए टू द मैनुअल मैनुअलजर्स एंड ऑल ठीक है ना अब आपको एक और बता दूं कि एक्चुअली एक बॉडी भी बनाई गई है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी इसको याद रखेगा एनसीएसके है, बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये जो है ये बॉडी बनी थी एज अ स्टेटूटरी बॉडी स्टार्टिंग में जब ये बॉडी बनी थी इट वॉज फॉर्मड एज अ स्टेटूटरी बॉडी और ये जो बनाई गई थी बेसिकली सफाई कर्मचारीज के वेलफेयर के लिए उनके रिकमेंडेशन के लिए ठीक है ना और तब एक्ट आया था नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइन्टी थ्री तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट नाइनटीन नाइन्टी थ्री आया था एंड uh, uh, उसके बाद ये स्टेटूटरी बॉडी की तरह बनी थी लेकिन जो ये कमीशन है इटिन

2004 में एक्सपायर कर गया 2004 के बाद से इसको एक्सटेंड तो किया जा रहा है इस कमीशन को लेकिन अब ये अब ये नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी की तरह एक्सटेंड हो रही है इसलिए नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी अगर आपसे कोई पूछा है कि प्रेजेंट में किस तरीके की बॉडी है तो प्रेजेंटली ये एक्सटेंशन से आ रही है इस कारण से ये नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है स्टार्टिंग में जब बनी थी जब तब जरूर ये स्टेट्यूटरी बॉडी की तरह बनी थी और इसका एक्ट जो था वो आपका दो चार में एक्सपायर कर गया ठीक है ना याद रखेगा अगला जो न्यूज है वो है इंडिया एंड मंगोलिया हैव रिव्यूड देयर हैल कोऑपरेशन इन हाइड्रोकार्बन्स एंड स्टील सेक्टर्स तो अब इंडिया और मंगोलिया रिलेशंस के ऊपर ये न्यूज आर्टिकल आया है जिसमें कि इंडिया और मंगोलिया ने अपने आ, कहना चाहिए कि इंडिया एंड मंगोलिया ने अपने रिलेशंस को एक तरीके से कहना चाहिए कि दोबारा से वो करने की कोशिश की है आ, रिन्यू करने की कोशिश की है सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे मंगोलिया ने सबसे पहले क्या किया है कि मंगोलिया ने इंडिया को बोला कि भाई आप हमारे एक रिफाइनरी का प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसको बोलते हैं मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट याद रखेगा इंडिया ने बोला कि वी विल बी कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम इंडिया ने अपना कमिटमेंट बताया उसको रिट्रेट किया है कि हम आपके यहाँ के जो मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है उसको टाइमली कंप्लीट करेंगे इट विल बी द कंट्रीज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ये मंगोलिया की पहली ऑयल रिफाइनरी होगी ठीक है ना याद रखिएगा इसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया गवर्नमेंट ने दी थी और उसको कंप्लीट कराने का काम कहा था मंगोल रिफाइनरी इसके अलावा याद रखेगा कि मंगोलिया और इंडिया के रिलेशंस के बारे में अगर आपसे कोई और पूछे तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जैसे कि मंगोलिया और इन्हें इंडिया के यू बिड का भी सपोर्ट किया है आप इसको लिखते जाइए कि मंगोलिया ने इंडिया के लिए यू बिड का भी सपोर्ट किया है इंडिया और मंगोलिया जो है बुद्धिज़म के थ्रू लॉन्ग हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं बुद्धिज़म के थ्रू लॉन्ग हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं देन इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड द फॉर्मर सोवियत ब्लॉक टू ओपन द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद मंगोलिया इन नाइनटीन इंडिया ने नाइनटीन में ही मंगोलिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट कर दिए थे जो कि अगर सोवियत ब्लॉक के बाहर की देखो तो पहली कंट्री थी देन 2015 में मंगोलिया विदनेस द फर्स्ट एवर विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोई पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर मंगोलिया विजिट किया था तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे एंड इन टू थाउजेंड फिफ्टी वॉज देर देन नेशनल कॉपरेशन जो है वो ऑलरेडी इंडिया और मंगोलिया के बीच होता रहता है चाहे वो यू का बिड हो चाहे इंडिया ने यूएन में कई बार सपोर्ट किया है अगर आपने देखा हो तो इंडिया ने कई बार यू एन में सपोर्ट किया है टू द uh, मंगोलियन काजेज ठीक है ना देन जब स्टार्टिंग uh, में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका नॉन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चल रहा था तब तो मंगोलिया का इंक्लूजन किया गया था ठीक है ना एंड मंगोलिया को इन स्पॉन्सर्ड नाइनटीन सेवन रेजोल्यूशन विद इंडिया एंड भूटान फॉर रिक द न्यूली लिबरेटेड बांग्ला बांग्लादेश का जो रेजोल्यूशन था नाइनटीन का उसको ने भी सपोर्ट किया था विद इंडिया ठीक है ना इसके अलावा और कौन कौन से ग्रुप्स हैं जहां पे इंडिया मंगोलिया मेंबर तो एशिया यूरोप मीटिंग असेम जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहां दोनों में मंगोलिया इंडिया मेंबर है और शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मंगोलिया जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट है और इंडिया मेंबर है तो इसको भी याद रखेगा दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम फ्रॉम टूडे आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल आगे मूव करते हैं देखते और हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। ओके सो यू कैन मूव विद मी

यहाँ पे संजय लेक आप जानते होंगे संजय लेक है हाँ ना तो संजय लेक को जो है वो रेड अलर्ट में आ, कर दिया गया है एंड ये डेली डेली में हुआ है स्पेशल याद रखिएगा डेली में ही किया गया संजय लेक को तो डेली का है याद रखना और इसके अलावा पोंग पोंग डैम का भी हमने याद रखना कि पोंग डैम का भी जिक्र किया था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पोंग डैम कहाँ पर है ओके पोंग डैम या पोंग लेक कहा पर है जिसके बारे में अभी हमने दो दिन पहले बर्ड फ्लू के रिगार्डिंग पढ़ा भी था ठीक है ना आ, मैं ही बता देता हूँ हिमाचल प्रदेश में वैसे चलो ठीक है आप लोग क्यों बताओगे फालतू में तो याद रखिएगा संजय लेक का याद रखना और पोंग लेक पोंग डैम का भी हमने डिस्कशन किया हुआ था आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज नहीं दिख रही है ओके, सो यू कैन मूव विद मी आप यहाँ पे सेफली मूव कर सकते हैं दिस इज द न्यू आर्टिकल जिसको हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल सेगमेंट में सेंट्रल विस्ता कैप्रिस एंड रूल ऑफ Law. तो इस आर्टिकल में भी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की बात की जा रही है अब याद रखेगा सेंट्रल प्रोजेक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था वो आया था राजीव सूरी वर्सेस डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस याद रखना केस का नाम याद राजीव सूरी डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस था जिसमें दो एक की मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल uh, दे दिया टू द सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया इन द राजीव सूरी वर्सेज डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के सबसे पहली चीज अब देखो ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह तो बोल दिया कि भाई जो भी डिसीजन लेना चाहे वो लेजिस्लेश ले सकता है उसकी पावर है वो गवर्नमेंट है है ना पॉलिसी डिसीजन पे हमको एक्स्ट्रा जुडिशियल कोई रूल निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक वहाँ पर जुडिशरी ने एक चीज़ नहीं ध्यान दी वो थी राइट टू पब्लिक डिस्कशन राइट टू पब्लिक डिस्कशन एंड राइट टू पब्लिक पार्टिसिपेशन अब यह सबसे पहली बात प्रोजेक्ट है ऐसा नहीं कि इसका कोई जैसे एक जस्टिस जो डिसेंटिंग जजमेंट था उन, उन्होंने ये भी कहा प्रोजेक्ट जिसके साथ लोगों को रहना पड़ेगा तो ऐसे केस में जब किसी चीज का इतना परमानेंट इफेक्ट होने वाला है कि लोगों को उसके साथ जीना पड़ेगा तो वाई नॉट इंक्लूड दम इन द डिस्कशन प्रोसेस क्यों नहीं आप उनको डिस्कशन प्रोसेस में इंक्लूड करते हुए क्यों नहीं आप उनको पार्टिसिपेशन में इंक्लूड करते हो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच ऑथर आस्क दूसरी चीज अगर आप देखें तो ऑथर ने कहा है कि जो इनिशियल प्लान था इनिशियल जो प्लान हुआ था उसको भी चेंज किया जा रहा है पहले प्लान ये नहीं था कि इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा ये सारी चीज़ें होंगी लेकिन अब क्या है फाइनली इसमें यह बोल दिया गया कि जो पुरानी बिल्डिंग है वो हेरिटेज बिल्डिंग रहेगी जहाँ पर पंडित नेहरू ने भाषण दिया था दैट विल बी द म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी इसको म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बनाया जाएगा और नया सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा एक नया रेसिडेंस बनाया जाएगा फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड नंबर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी जैसे चाहे वो नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्काइव्स हो नेशनल uh, म्यूजियम हो चाहे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया हो ये सारी चीजों की नई बिल्डिंग करने की जरूरत थी फॉलो द ड्यू प्रोसेस इन अप्रूविंग द प्रोजेक्ट यहाँ पे दो क्लेम्स मेन है देखो दो क्लेम है पहला है स्टेट है लॉ विदाउट सफिशियंट पब्लिकेशन तो जो लैंड यूज परमिटेड था उस जगह पर जहां पर ये प्रोजेक्ट होगा उसको अल्टर किया गया उसको चेंज किया गया विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन विद द पब्लिक पब्लिक के साथ कंसल्ट किए बिना ही जो लैंड यूज था उसको चेंज कर दिया गया जिस चीज के लिए उसका यूज होना था उसकी जगह छोड़ करके दूसरे के लिए यूज किया जा रहा है ठीक है ना तो ये पहला इशू है दूसरा जो इशू है वो ये देखा जा रहा है कि आ, यहां पर देखो लिखा हुआ है दूसरा जो है है वो ये कि प्रोजेक्ट यही पे लिखा हुआ है एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द प्रोजेक्ट इज अन रीजनड जो गया क्लियरेंस दिया गया है वो भी अनरिजेंड है. है ना और इसको क्लियरेंस देने के लिए प्रोजेक्ट को कार्व किया गया दो पार्ट्स में है ना फिर उसको क्लियरेंस दिया गया तो ये यहाँ पे जो इशू है वो मेजर इशू है अब ए एम खानविलकर जस्टिस जो है उनका ये कहना था कि भाई पब्लिक अलग से कोई जुडिशियल स्क्रूटनी की जरूरत नहीं है और पब्लिक पार्टिसिपेशन कहीं ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंडेटरी हो लिखा गया हो है ना तो ऐसे में ऑथर का ये कहना है कि भाई अगर लिखा है या नहीं है लेकिन देर इज अ पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब जस्टिस एम खान मिलकर यही कहना कि कोई राइट right नहीं इस तरीके का कि भाई आपसे कंसल्टेशन करना पड़ेगा या पब्लिक पार्टिसिपेशन पार्ट पब्लिक कंसल्टेशन करना पड़ेगा देर इज अ नो देर इज नो फंडामेंटल राइट इन दैट तो ऑथर इस चीज को भी डिनाई करता है कि ऐसा नहीं है लेकिन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज देर इज देर आर परमानेंट मार्क्स विच विल बी लेफ्ट आफ्टर दिस प्रोजेक्ट है ना यहां पे दो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि वन कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड इन द पास दैट आर्बिट्री स्टेट सेंक्शन वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स अब ऑथर ने कहा कि देखो पास्ट में कोर्ट से खुद बोलती आई है कि अगर आर्बिट्री स्टेट एक्शन है अगर किसी स्टेट ने मतलब स्टेट मतलब गवर्नमेंट ने आर्बिट्री एक्शन लिया है तो वो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है इस केस में आप बोल रहे हो कि कोई फंडामेंटल राइट नहीं है पार्टिसिपेशन का लेकिन एक्शन तो आर्बिट्री है आपने मास्टर प्लान को चेंज कर दिया आपने अल्टर कर दिया लैंड यूज को लेकिन आपने पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं इंक्लूड किया दूसरा देखो यहाँ पे देखो लिखा है टू एनी सिविक पार्टिसिपेशन कैन बी प्रोडक्टिंग ओनली इफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ अब यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी एंड हियरिंग है जिसने जिसको कि अपॉइंट किया गया था टू कंसिडर द ऑब्जेक्शन रेज ऑन द चेंज इन द लैंड यूज ठीक है ना याद रखेगा एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी एंड हेयरिंग है जिसमें भी की कंप्लेंट की गई थी रिगार्डिंग द लैंड यूज चेंज और ये जो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी एंड हेयरिंग है इसने बेसिकली ये एक्सेप्ट भी किया है ये चीज एक्सेप्ट भी की येस देर हैज बीन सीरियस लैंड यूज चेंजेस और इसके रिप्रकॉशंस होंगे देयर फॉर ब्रॉडर पब्लिक पार्टिसिपेशन इज नीडेड एंड उसके अकॉर्डिंग ही काम करने की जरूरत है इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो है जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे उनके पास फुल डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी उनको पूरी डिटेल नहीं की, दी गई थी तो सिविक पार्टिसिपेशन तभी आपका सक्षम होता है जब आप उनको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे वेन यू प्रोवाइड द फुल इंफॉर्मेशन दैट इज अनदर थिंग तो ऑथर ने वही कहा है कि यहां पे बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोमिस सेगमेंट ठीक है अगला जो आर्टिकल है वह प्लानिंग एंड एग्जिट आउट ऑफ द इजी मनी रजीम अब ये डी का आर्टिकल है आपको पता होना चाहिए कि ये गवर्नर रह है चुके हैं आरबीआई के ही अब उन्होंने इशू उठाए देखो ये इशू मैं बहुत दिनों से बताता आ रहा हूं वही इशू इन्होंने बेसिकली कि जब पैंडेमिक आया पैंडमिक आने के बाद इंडिया में दो प्रॉब्लम्स आई एक तो हमने देखा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था दूसरा हमने देखा कि ग्रोथ भी कम हो रही है तो बोथ दीज आर द इश्यूज ठीक है ना इन्फ्लेशन का बढ़ना एंड ग्रोथ का कम होना अब ऐसे में ऑथर का ये कहना है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये रिजर्व रिजर्व बैंक बैंक ऑफ ऑफ इंडिया इंडिया के लिए चैलेंज क्यों क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम भी करती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब कि इन्फ्लेशन को एक प्रॉपर रेंज में रखती है फोर प्लस माइनस टू परसेंट के रेंज में रखती है यानी कि दो परसेंट से छ के रेंज में रखा जाता है लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो छे परसेंट को क्रॉस कर गया था तो पहला इशू तो ये है कि, कि किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग का भी काम हो और दूसरा जो मेन चीज है कि जो ग्रोथ कम हो रही है जो ग्रोथ डिक्रीज हो रही है उसको भी आपको इंक्रीज करना है ठीक है ना तो उसको कैसे करोगे अब आपको मैंने ऑलरेडी कई बार ये चीज बताई कि ये जो दोनों चीजें हैं यानी कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ ये दोनों क्या होता है कि जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है उसका दोनों में अलग इम्पैक्ट पड़ता है जैसे कि अगर बैंक्स अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा याद रखेगा इन्फ्लेशन कम होगा लेकिन ग्रोथ भी कम हो जाएगी ठीक है ना इन्फ्लेशन कम होगा लेकिन ग्रोथ भी कम हो जाएगी वहीं पर अगर बैंक्स इंटरेस्ट रेट घटाते हैं अगर बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट घटा देंगे तो बैंक्स अगर इंटरेस्ट रेट घटाएंगे तो ग्रोथ तो बढ़ेगी लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा मतलब कि दोनों चीजें हो रही हैं आप दोनों चीजों को नहीं चाहते आप लेकिन इन्फ्लेशन कम रहे है ना आप तो ये चाहते हो ना कि ग्रोथ तो बढ़े लेकिन इन्फ्लेशन कम रहे लेकिन ऐसा नहीं होता अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा ये भी याद रखना तो यहाँ पर यही चैलेंज सबसे पहले ऑथर ने बताया इट्स इट्स टास्क टू बैलेंस द टू आपको दोनों बैलेंस करना दूसरी चीज अब डी सुबर का कहना है कि चलो आरबीआई आरबीआई ने इस बार ग्रोथ ग्रोथ को चुना है मेन एजेंडा इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट को स्लैश कर दिया डिक्रीज कर दिया लेकिन ऑथर का यह कहना है कि ठीक है अभी तो आपने डिक्रीज कर दिया लेकिन जब आपको इंक्रीज करना होगा मतलब फ्यूचर में जब आप इस ट्रेंड को रिवर्स करोगे तो प्लीज हैव हैव सम सम प्लीज डिस्कशंस क्योंकि that will be another challenge, क्योंकि दैट विल बी अनदर चैलेंज अचानक से जब इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ेगा फ्यूचर में तो उसके अब अलग रिपोर्शन होंगे है ना तो उसके लिए डेलीब्रेशन की जरूरत है ऐसा ऑथर का कहना है इसके अलावा ऑथर ने कुछ और चैलेंजेस बताए जैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंने आपको बता दिया एंड uh, uh, दूसरा है कि ग्रोथ को किस तरीके से बैलेंस किया जाए देन इसके बाद ऑथर ने यह कहा है कि रिकवरी जो रही है अभी तक की वो भी अन ईवन एंड अनइक्वल हुई है द रिकवरी हैज बीन अन ईवन एंड अनईक्वल मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं दे हैव नॉट बीन एबल टू रिकवर दे हैव नॉट बीन एबल टू रिकवर अगर ये रिकवर नहीं करेंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर विल नॉट रिकवर पूरा का पूरा जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो रिकवर नहीं कर पा रहा है एंड इस कारण से जो ग्रोथ टेंशन है वो तो एग्रावेट हुआ ही है साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी एग्रावेट हुई है क्योंकि बहुत सारी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है

करेंसी के अप्रिसिएशन को रोकना या डिप्रिसिएशन को रोकना तो आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि वो फोरेक्स मार्केट को रिजर्व मतलब कि रेगुलेट करके रखे फोरेक्स मार्केट में भी जैसे अगर देखो क्या होता है बहुत सारा जब डॉलर आ जाता है बहुत सारा जब डॉलर आ जाता है तो रुपया अप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है ठीक है ना रुपया अप्रिशिएट होना क्योंकि जब जो चीज़ ज्यादा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है ये सिंपल सा कंसेप्ट इकोनॉमी में जो चीज ज्यादा उसकी वैल्यू कम तो अगर बहुत डॉलर आ गया तो डॉलर की वैल्यू कम इसलिए रुपया अप्रिशिएट अगर बहुत कम डॉलर है तो उसकी वैल्यू ज्यादा रुपया कम ठीक है ना सिंपल सा कंसेप्ट याद रखेगा तो यहां पर इसको भी मैनेज करने की जरूरत होता है दिस इज वॉट अनदर थिंग दैट हैज टू बी मैनेज बाय आरबीआई की किस तरीके से वो रुपए को ज्यादा अप्रीशिएट या डिप्रिशिएट होने से रोके क्योंकि रुपए के अप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन पे भी इन्फ्लेशन डिपेंड uh, करता है और इस पर इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करता है लोगों का फॉरन uh, इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करता है एक और चैलेंज यह है कि किस तरीके से एक्सेस लिक्विडिटी को हैंडल किया जाए जो एक्स अभी क्या है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया जा रहा है आरबीआई द्वारा जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा पहुंच जाता है मतलब कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहती है तो गवर्नमेंट जो आरबीआई है इट शुड बी एबल टू हैंडल दैट लिक्विडिटी उसको वो लिक्विडिटी हैंडल भी करने की जरूरत है तो दीज आर द चैलेंजेस विच हैव बीन मैंशनड बाय दी ऑथर एंड ये सारे चैलेंजेस जो है वो रिजर्व बैंक के सामने हैं एंड आई होप दे विल बी मतलब कि थॉरली फाइटिंग विद एंड इन चैलेंजेस से बाहर जरूर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडिया में

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स uh, में आते तो आतेमेंट भी क्लीन रहेगा हमारा बिल भी कम होगा जो ऑयल इंपोर्ट का बिल है अब देखिए इससे एक और चीज होगी कि हमारा जो अभी तक जो फोकस मिडिल ईस्ट में रहता था या वेस्ट एशिया वाले पार्ट में रहता था वहां से शिफ्ट हो जाएगा यानी कि आपका लैटिन अमेरिका वाले पार्ट में ठीक है लैटिन अमेरिका सेंट्रल अमेरिका छोड़ो लैटिन अमेरिका वाले पार्ट में तो ऑथर ने वही कहा है कि अगर हम इस तरीके की शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा जो शिफ्ट है वो लैटिन अमेरिका की तरफ भी रहेगा अब कुछ स्कीम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो है फेम स्कीम फेम और फेम टू भी आ गया है फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहीकल्स डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर का आता है और बेसिकली इसके अंदर क्या है कि इसको इसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं थ्री व्हीलर्स इलेक्ट्रिक बसेस फोर व्हीलर्स है ना ये सारी चीजों की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं देन हमने एक कसम भी खाई है जिसमें हम बोले कि थर्टी परसेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शुड बी इन द रोड्स बाय ट्वेंटी थर्टी तीस परसेंट तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे इन द रोड्स बाय ट्वेंटी थर्टी ये भी हमने कसम खाई है अब अगर हम डेवलप करना चाहते हैं डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफेक्चरिंग कैपेसिटी को तो हमको लैटिन अमेरिका की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा देखो ये चीज़ यहाँ पे ऑथर ने बोली है कि हमको हमको डोमेस्टिक बैटरी मैनुफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी अगर हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाना है जैसे पेट्रोल भराते हो तो पेट्रोल पम यहीं रहते हैं ना आपके सिटी गांव यहां रहते हैं उसी तरीके से अगर आप बैटरी में जाओगे तो बैटरी रिचार्ज स्टेशन प्लस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होनी चाहिए तो उसके लिए हमको रिसोर्स रिच लैटिन अमेरिका के पास जाना है जहां पे कि लिथियम के लिथियम के रिजर्व्स हैं आपको लिथियम रिजर्व्स मिल जाएंगे और कोबाल्ट के रिजर्व्स मिल जाएंगे तो ये आपको मिल जाएंगे बेसिकली अर्जेंटीना चिली एंड बोलीविया में तो यहां पर देखो लिखा भी हुआ है कि अर्जेंटीना चिली बोलीविया दे आर द मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जहां अस्सी लगभग लिथियम जो है वर्ल्ड का वो इन्हीं कंट्रीज के पास है अर्जेंटीना चिलियन बोलीविया तो हमको इनसे कोलैबोरेट करने की जरूरत है और हमको यहां से मिनरल्स लेने की जरूरत है इंडिया में भी कुछ इंपॉर्टेंट बनी है पीएसयू जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है हिंदुस्तान कौर, कौर, लिमिटेड है देन कॉपर लिमिटेड मिनरल

इन्होंने काबिल यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड बनाया है ताकि जो लिथियम कोबाल्ट के रिसोर्सेज हैं उनको लैटिन अमेरिका से इंडिया में लाने की वो की जा सके ठीक है ना इंडियन लिथियम आयन बैटरी डिमांड इज़ फुलफिल्ड बाय इंपोर्ट फ्रॉम चाइना वियतनाम एंड हांगकांग हम अभी जो हमारी लिथियम आयन बैटरी है ये जो डिमांड है बैटरी की वो कहाँ से फुलफिल होती है वो हमारी चाइना से वियतनाम से हांगकांग से फुलफिल हो रही है ठीक है ना और लेकिन हमको भी हमको भी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है तभी हम प्रपरली शिफ्ट कर पाएंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यही चीज ऑथर ने यहाँ पे बोली है इसके अलावा लिथियम का एक और यूज यहाँ पे दिया हुआ है इस आर्टिकल में वो है ट्रीटिंग द बाई पोलर डिसऑर्डर देखो यहां पे लिखा हुआ है ट्रीटिंग द बाई पोलर डिसऑर्डर एंड इट इज सून बिकमिंग द मेटल टू ट्रीट अ वर्ड पॉल्यूटेड बाई एक्सेसिव कार्बन एमिशन ठीक है ना एंड ये इसका यूज ये भी किया जा रहा है कि वर्ल्ड जो कार्बन एमिशन से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है उसमें भी ये मदद करने की उसमें है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जिसको कि इंडिया अगर चाहे तो इन कंट्रीज से जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं ब्राज़ील मैक्सिको है ना Uh, in, 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 ये तो क्रूड ऑयल में है लेकिन अगर आप चाहें तो अर्जेंटीना uh, बोलिविया इन कंट्रीज के साथ मिलकर आप ये डील कर सकते हैं तो दीज आर आर्टिकल आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम आगे मूव करते हैं चाइनीज अप एट एल एसी क्लियरली विजिबल सेर तो लद्दाख काउंसिलर का कहना है कि एल पे चाइना ने काफी स्ट्रक्चर बिल्डअप किए हैं स्पेशली इन द रीजन ऑफ योर चुसुल मिराक एंड खक्तेड़ याद रखेगा ये जगहों का नाम याद रखेगा चूसुल मिराक एंड खक् एक्चुअली जो चूसुल है उसी के अंदर आपका मीराक और खखतेड़ आता है तो ये लद्दाख रीजन में याद रखेगा चूसुल मिराक और खखतेड़ और मिराक और खखतेड़ जो है वो आपका चूसुल कंस्टिट्यूंसी कंस्टिट्युएंसी के अंदर का थी, आते हैं ठीक है ना तो ये भी आप याद रखेगा ग्लोबलाइजेशन इन द टाइम ऑफ पैंडमिक अगर इसकी बात करें तो जो ग्लोबलाइजेशन है तो मेजर चार कंपोनेंट्स ऑथर ने ग्लोबलाइजेशन डिस्कस किए हैं एंड द इफेक्ट्स ऑफ कोविड 19 ऑन दिस पहला है ग्लोबलाइजेशन का वो होता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड ऑब्स्ट्रक्शंस तो आप सबको पता है कि ग्लोबलाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड होना चाहिए और ट्रेड ऑब्स्ट्रक्शंस कम से कम होने चाहिए लेकिन अगर आप ये देखो कोविड नाइन्टीन के टाइम में क्या हुआ है कि जो ट्रेड है है ना चाहे वो इंडिया में चाहे ग्लोबल लेवल पे वो ट्रेड थोड़ा सा कम हुआ है क्यों कम हुआ है किज क्योंकि आर रिस्ट्रिक्शंस कोविड नाइन्टीन के रिस्ट्रिक्शंस थे उन कारण से जो शिप्स जहाँ गए वहाँ पे रह गए है ना फ्री फ्लो ऑफ द कैपिटल तो जो पैंडमिक है उसका काफ़ी इम्पैक्ट कैपिटल के ऊपर भी देखने को मिला ठीक है ना लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिला इसी कारण से हमारा रुपया बीच में काफी डिप्रिशिएट भी किया तिहत्तर चौहत्तर रुपये तक पहुंच गया था तो आपने ये भी देखा होगा ठीक है ना एंड इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ देखा जा रहा है एफ और एफ के लिए तो एफ पी में इंडिया ऑलरेडी काफी आगे है लेकिन पैंडेमिक के टाइम में थोड़ा सा ये सारी चीजें भी कम हुई थी देन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो कोविड नाइन्टीन है उसका काफी इंपैक्ट इस टेक्नोलॉजिकल जो वाइड था या टेक्नोलॉजिकल जो डिस्टेंसिंग था उसमें भी देखने को मिला है ना और जो गुड्स का ट्रांसफर है उसको वो हुआ और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर जो था वो इम्पैक्ट हुआ ठीक है ना लेकिन इसका एक फायदा यह हुआ कि इंडिया ने जैसे जिन चीजों में इंडिया आगे नहीं था उन चीजों को इंडिया प्रोड्यूस करने लगा जैसे कि पीपी -पी किट्स हो गए वेंटिलेटर्स हो गए ये सारी चीजें हमने खुद प्रोड्यूस करना शुरू की देन चौथा जो इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन पे वो है फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल पे लोगों के मूवमेंट पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई इंटरवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई तो ये पॉइंट्स हैं उन्हीं को एक एक करके हमने के रेफरेंस में जाना ठीक है ना आगे मूव करते हैं देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है अरुणाचल हार्बर्स अ वेनेडियम सोर्स अब अरुणाचल प्रदेश विच इज कंसीडर्ड अ स्लीपिंग हाइड्रो पावर जाइंट अब अरुणाचल प्रदेश को स्लीपिंग हाइड्रो पावर जाइंट बोला जाता है वो इंडिया में प्राइम प्रोड्यूसर बनने वाला है वेनेडियम का दैट इज सेट टू बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ वेनेडियम विच इज अ हाई वैल्यू मेटल यूज इन स्ट्रेंथनिंग द स्टील एंड टाइटेनियम ठीक है ना वेनेडियम क्या है एक हाई वैल्यू मेटल है जो कि यूज होता है फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्टील एंड टाइटेनियम ठीक है ना जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि एटीन फिफ्टियों ने बना था याद रखिएगा जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एटीन फिफ्टियों ने बना था और ये बेसिकली क्या कर रहा है इट इज़ इट हैज़ प्लेस द हिमालयन स्टेट ऑन द वेडियन मैप ऑफ द कंट्री कंट्री में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को वेनेडियन वेनेडियम मैप में पुट कर दिया है ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि भाई यहाँ पे वेनेडियम है और इसको जल्दी से जल्दी निकालना शुरू किया जाएगा इसको पता करना शुरू किया जाएगा एक्चुअली वेनेडियम इज रिकवर्ड एज अ बायो प्रोडक्ट फ्राम द स्लैग कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ वेनेडी फेरस मैग्नेटाइट ओर्स मैग्नेटाइट ओर्स यानी कि आयरन ओर ऐसे होते हैं जिनमें जिनका वेनेडियम जिससे बायोप्रोडक्ट के रूप में निकलता है लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश कैन बी अ रिजर्व फॉर वेनेडियम ठीक है ना इंडिया कंज्यूम्ड नियरली फोर परसेंट ऑफ द ओवरऑल ग्लोबल वेनेडियम प्रोड्यूस्ड ठीक है ना ग्लोबल वेनेडियम का फोर परसेंट इंडिया यूज किया वेर हैज चाइना प्रोड्यूस फिफ्टी सेवन परसेंट ऑफ द वर्ड वेनेडियम एंड कंज्यूम्स नियरली फोर्टी फोर परसेंट ऑफ द वेनेडियम तो चाइना के लिए फिफ्टी सेवन परसेंट प्रोड्यूस करता है और फोर्टी फोर परसेंट कंज्यूम भी करता है ठीक है ना अब इंडिया में भी वेनेडियम के रिसोर्सेस अरुणाचल प्रदेश में मिल सकते हैं नो फायर इन द नागालैंड जूको रेंज याद रखेगा जूको रेंज में कोई फा, फायर अब नहीं है पहले मणिपुर नागालैंड के बॉर्डर पे ज्यूको रेंज है जहां पर की फायर हो गया था फिर तो उसको कंट्रोल किया गया तो ये रेंज याद रखना कि ये नागालैंड में है ना दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखना है यूएस रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट विद ताइवान अब जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज कर दी कि जो ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन में रिस्ट्रेंट uh, थे उसको भी रिमूव कर दिया है और अपने अमेरिका से एक विक... को भेज भी रहे हैं वहां पे मिलने के लिए ताइवान ऑलरेडी आप सबको पता है कि बोलता है कि वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है और इंडिया बोलता है कि वो और चाइना बोलता है कि भाई देर इज वन चाइना पॉलिसी चाइना बोलता है कि वन चाइना इज़ ऑनली वन चाइना दैट इज अस है ना और ताइवान बोलता नहीं भैया वो आप चाइना हो गए हम तो रिपब्लिक ऑफ चाइना है ठीक है ना तो इसलिए काफ़ी यहाँ पे इश्यूज रहते हैं और चाइना ये क्लियर कर चुका है कि ताइवान के साथ कोई भी कंट्री डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रखेगा लेकिन अब यूएसए तो बींग यूएसए जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई मैं तो ऐसी और गोटी फंसा के जाऊंगा तो वही वाली चीज़ वो कर रहे हैं तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लैट यर वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीप लविंग एस कीप शेयरिंग एस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे